बाबर आज लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 284 अंक फिसल कर 63,591 के लेवल पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी 90 अंकों की गिरावट के साथ 19,000 के नीचे बंद हुआ। बैंक निफ्टी भी 145 अंक टूटा और ये 42,701 के स्तर पर बंद हुआ। बाजार में दबाव जिस तरह से रहा उसमें आईटी, मेटल, ऑटो और बैंकिंग सेक्टर का बड़ा योगदान रहा, जबकि मीडिया, फार्मा, सरकारी, बैंकिंग और रियल्टी सेक्टर में बाइंग रही। आज पूरे दिन ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक बाजार का मूड माहौल कैसा रहा, ये डिटेल में बता रहे हैं हमारे सहयोगी अरमान नाहर। देखिए, आज मार्केट में आप निफ्टी देख लीजिए या फिर निफ्टी बैंक देख लीजिए, लगभग 0.3% 0.5% के आसपास की आपको गिरावट आती हुई दिखी। आपको कई सारी चीज़ें जिसमें अगर आप निफ्टी लूजर्स की स्पेसिफिकली बात करें तो वहाँ पे अडानी इंटरप्राइजेज, एसबीआई लाइफ, कोल इंडिया, एशियन पेंट्स, वहाँ पर आपको गिरावट आती हुई दिखी। वहीं अगर आप गेनर्स की बात करें तो सन फार्मा, जो कि अनुमान से अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली आपको बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे। सन फार्मा में 3% की तेजी, बीपीसीएल भी 2% से ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखा। हिंडाल्को और बजाज ऑटो के भी जो नंबर्स अपडेट्स आते हुए दिखे वो भी बढ़िया है, उसके चलते वहाँ पर भी आपको पॉजिटिव मूवमेंट जो है वो आता हुआ दिखा। अब कौन से स्टॉक्स रहे फोकस में, जिंदाल स्टील एंड पावर यहाँ पर फोकस में रहा, 8% के आसपास की गिरावट आती हुई दिखी। स्टार हेल्थ में भी लगभग 5% से ज़्यादा की गिरावट आती हुई दिखी। जुबिलेंट इंडस्ट्रीज और ग्रीन लैम इंडस्ट्रीज में बढ़िया तेजी, 10% से ज़्यादा की तेजी आपको दोनों ही स्टॉक में आती हुई दिखी। लूजर्स की अगर आप बात करें निफ्टी के अलावा तो थंगमाइल ज्वेलर, जहां पर अगर आप देखें 10% की गिरावट है, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट, केयर रेटिंग, एनआईटी, यहां पे सभी जगह अगर आप देखें 5% से ज़्यादा की गिरावट इन सभी स्टॉक में आपको आती हुई दिखी। वहीं टॉप गेनर्स की अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो जियोजीत फाइनेंशियल, अपोलो, माइक्रो और अनंत राठी की बात करें, लगातार आपको ग्रोथ जो है वहां पर आती हुई दिख रही है। आज भी लगभग 6% के आसपास जो है बढ़कर आपको बंद होता हुआ दिखा। ओवरऑल अगर आप मार्केट में देखें तो निफ्टी या बैंक निफ्टी लगभग 0.3-0.4% के आसपास फ्लैट जो है वहां पर आपको क्लोजिंग होती हुई दिखी।